पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इंग्लैंड में घर के बाहर एक पाकिस्तानी डांस कर रहा था। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि ये बताइए, भारत के लोकतंत्र में ऐसा क्या है कि इसके मुकाबले का कोई लोकतंत्र आपको पूरे विश्व भर में नजर नहीं आता। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इंग्लैंड में घर के बाहर एक पाकिस्तानी डांस कर रहा था। वो पाकिस्तानी नाच रहा था, मैंने उस वीडियो को पूरा देखा। हंसी मुझे इस बात पे आ रही है कि वो पाकिस्तानी नाच इसलिए रहा था कि वो अपने पूर्व प्रधानमंत्री को ये चेताना चाहता था कि तुम इतने अमीर हो, तुम्हारे पास ये दौलत आई कहां से, जिस दौलत से तुमने पाकिस्तान के बाहर इंग्लैंड में अपने लिए घर खरीदा है, घर बनाया है। और उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कुछ रिश्तेदार वहां उनके बेटे की वहां उनकी शादी थी, उस शादी से कुछ लोग बाहर आए और हंगामा किया और इस ये जो बुजुर्ग आदमी था, इस बुजुर्ग आदमी के साथ धक्का मुक्की भी हुई, ये बेहोश भी हुआ, लेकिन फिर भी ये नाचता रहा। जरा सोचिए, हमें कैसे लोकतंत्र का हिस्सा है, जिस लोकतंत्र में हम गर्व से ये कहते हैं कि हमारे यहां एक प्रधानमंत्री ऐसे भी थे जो जब ताशकंद गए, उन्होंने वो वहां खाते क्या थे, उनका खान पान कैसा था, वो खान पान इतिहास का हिस्सा है। सादगी हमारे प्रधानमंत्रियों का गहना रहा है। और जरा सोचिए, दो मिनट के लिए आप खुद सोचिए, सोचिए एक प्रधानमंत्री के बारे में आपको ये पता चलता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री है और उसका इंग्लैंड में घर है, कितना बड़ा हंगामा होगा। सोचिए आपको पता चलता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री है और उसकी प्रॉपर्टी अमेरिका में है, उसकी प्रॉपर्टी देश विदेश में है, ये कितना बड़ा हंगामा होगा, ये कितनी बड़ी खबर होगी और ये कितने दिन तक नेशनल टेलीविजन के ऊपर इसके ऊपर हंगामा होता रहेगा और विपक्ष कैसे ताबड़तोड़ हमले करेगा। और एक सबसे बड़ी बात, इस लोकतंत्र पर हमको गर्व इसलिए भी है कि जब आम जनता को यह पता चलेगा कि इस देश का एक प्रधानमंत्री ऐसा है जिसका घर अमेरिका में है, जिसका घर इंग्लैंड में है और जिसके घर में जब शादी ब्याह का कोई फंक्शन होता है तो उस फंक्शन में अरबों रुपया खर्च होता है, तो क्या आपको लगता है कि मैं और आप उसको दोबारा अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम उस लोकतंत्र में हैं जिस लोकतंत्र में वैल्यू सिस्टम अभी भी जिंदा है। हम उस लोकतंत्र का हिस्सा हैं कि इस लोकतंत्र के अंदर कमियां, खामियां, कमजोरियां आप करोड़ों निकाल सकते हो, लेकिन इस लोकतंत्र ने ऐसे लोग पैदा किए हैं जो लोग आज भी ये मानते हैं और शान से ये बात कहते हैं कि हम फकीर हैं। अपने आप को फकीर कहना और अपने आप को फकीर बताना, ये शान समझते हैं अपनी। विश्वभर में कहीं ऐसा नहीं होता। आप किसी भी देश विदेश में कहीं पर भी चले जाएं या भी गूगल खोल लें, विकिपीडिया के ऊपर मालूम करें, तो आपको ये पता चलेगा लगभग हर देश का प्रधानमंत्री एक अमीर आदमी है, हर देश का प्रधानमंत्री पावरफुल है, ताकतवर है और माल जमा कर रहा है। यह आपको विकिपीडिया से सब कुछ पता चलेगा। और माल जमा करने से मेरा मतलब यह नहीं कि वो करप्शन कर रहे हैं, मेरी मुराद यह है कि वो लोग अपना घर बना रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बड़ी बार ये भी करते हैं कि नीदरलैंड का देखिए जी, फला मंत्री साइकिल के ऊपर चल रहा है, फला देश का राष्ट्रपति रेलवे स्टेशन के पास खुद खड़ा है, देखिए जी फला देश का राष्ट्रपति पैदल चल रहा है, देखिए जी ये राष्ट्रपति मैकडी के अंदर घुस गया और लोगों के साथ बातचीत कर रहा है। ये सब को जब आप देखते हैं तो आप तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं और फिर ये कहते हैं कि एक ये देश के प्रधानमंत्री हैं, ये देश के राष्ट्रपति हैं, देखिए क्या बात है इनकी, कितने डाउन टू अर्थ हैं ये। लेकिन कोई आपको सोच ये नहीं बताता, ये डाउन टू अर्थ तो ज़रूर हैं लेकिन सब के सब करोड़पति हैं, ये डाउन टू अर्थ तो ज़रूर हैं लेकिन ताकतवर हैं, ये डाउन टू अर्थ तो ज़रूर हैं लेकिन ये सब कुछ कर रहे हैं जो एक आम आदमी को अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए, प्रॉपर्टी बनाना, बिजनेस खड़ा करना और अपने आप को इकोनॉमिकली मजबूत बनाना, ये सब कुछ वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जो भी प्रधानमंत्री बनता है, आम आदमी से लेकर खास आदमी तक और खास आदमी से लेकर विपक्ष तक और विपक्ष से लेकर मीडिया तक, मीडिया से लेकर जुडिशरी तक, जुडिशरी से लेकर बिल्कुल निचले स्तर पर काम करने वाले उन कर्मचारियों को तक, जिन कर्मचारियों को सुबह से लेकर शाम तक मुंडी हिलाने की फुर्सत नहीं मिलती, तमाम लोगों की नज़र इस बात पे होती है
कि हमारा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीब ही रहा या अमीर हो गया, हमारा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं उसने अपने बड़े बड़े महल तो नहीं बनाए, कहीं उसने प्रॉपर्टीज तो नहीं खरीदी, कहीं उसने कंपनीज तो नहीं खरीदी, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहती है। और अगर कहीं कुछ ऐसा पता चल जाए तो जैसे मैंने कहा हंगामा बरपा होता है, लेकिन तब भी लोग ये कहते हैं, और जैसे मैंने आपको कहा कि लोकतंत्र में कमियां खामियां ज़रूर हैं, मगर ये सब तमाशे जो इंग्लैंड में हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, बाहर किसी देश में हो रहे हैं, ये सब तमाशे हमारे देश में नहीं होते। हम आज भी गर्व से ये कहते हैं कि हमारे एक प्रधानमंत्री वो भी थे जिस प्रधानमंत्री की थाली के ऊपर प्याज होता था, एक फुल्का होता था और थोड़ी सी सब्जी होती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दो तीन चार प्रधानमंत्रियों को छोड़कर बाकी सभी प्रधानमंत्री इतना ही सादा खाना खाते हैं। ये भारत है और ये भारत के प्रधानमंत्री है, इसलिए मैं ये कहता हूँ, लंदन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर के बाहर एक आदमी नाचता है और ये सवाल करता है कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए जिससे तुमने यहाँ पर ये बंगला बनाया है। आपको ये दृश्य किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए देश में तो क्या, विदेश में तो क्या, दुनिया में किसी भी कोने में कहीं पर भी ऐसा कोई दृश्य देखने को कभी नहीं मिलेगा।